जो द्रौपदी था तो यहाँ पर दोस्तों स्नान किया था। तो ये आप लोग सीढ़ी देख रहे हैं, चलिए आप लोग को दिखा दे, इसके ऊपर जाएंगे चढ़ने के लिए। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मंदिर के पास भी जाएंगे। तो चढ़ते चढ़ते काफी ऊपर से नीचे से ऊपर तक आए हैं। ये गेट बंद हो गया, टाइम यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। स्वागत है आप लोग का ज्योति जी ब्लॉग चैनल में, मैं आपका छोटा भाई ज्योति। तो आप लोग को सेकंड पार्ट में वीडियो जो यहीं से दिखाया था, तो अब यहां से थर्ड पार्ट जो भी वीडियो है मैं यहीं से अपलोड करूंगा। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को साथ में शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, सब लोग सब यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं। चलिए अंदर में चलते हैं। कुछ बाहर से ऐसा दिख रहा है, आप लोगों को दिखा दे दोस्तों कि ये पहाड़ है लेकिन यहाँ पर पानी सिर आ रहा है, जो पानी ठोपे ठोपे चू रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए आप लोग को बाहर से दिखा है पहाड़ था लेकिन यहाँ से पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, आप लोग देख रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही है, इधर से बंद है। यहाँ पर दोस्त देखिए पत्थर पर चित्रकार किया गया है, आप लोगों को दिखा दें। यह दोस्तों जो पत्थर पर जो दर्शाया गया है यह कृष्ण जी के बारे में दर्शाया गया है। आप लोग को इसको ध्यान से आकर अगर देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। वहाँ पर आप लोग देखिए कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, वहाँ पे रुक जाइए, आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइए और घूमिए, पूरा घूमने लायक जगह है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर भी पत्थर पे कुछ ना कुछ दर्शाया गया है दोस्तों। धूप आ रही है तो इसलिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों इसके अंदर जाने के लिए मतलब पूरा देखने के लिए यहाँ पर दोस्तों टिकट कटाई जाती है। हम लोग देखिए ये हम लोग जो इंडिया से है दोस्त उन लोग का 40 रुपया है घूमने के लिए, और जो विदेशी है उन लोग को घूमने के लिए 600 रुपया है। वहाँ पर पहले टिकट कराई जाती है और यहाँ पर मालूम नहीं क्या हो रहा है। और दोस्तों ये टिकट कराने के बाद यहाँ पर आएंगे तो मतलब मुहर लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए इसमें मुहर लगाया गया है यहाँ पे, वहाँ पर टिकट कटेगा पेड़ के पास जो दुकान दिख रहा है वहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर मुहर लगता है। तो चलिए चलते हैं अंदर में देखते हैं घूमते हैं। और ये जो बनाया गया है कुछ नक्शा, अगर दोस्तों जो यहाँ पर जो महाबलीपुरम का जो लोग रहते हैं यहाँ इस जो मतलब जो इस स्टेट में रहते हैं महाबलीपुरम जो राज्य जिला में, उन लोगों का दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए फ्री है। जो इंडिया से है मतलब कि अदर स्टेट से उसको 40 रुपया टिकट है, अगर कोई विदेशी है तो 600 रुपया है। मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिखा दिया और ये हमारा 2 टिकट है, चलिए घूमते हैं। और ये देखिए पहाड़ कैसा है, आप लोगों को बाइक कैमरा करके दिखाते हैं। ये देखिए कैसे अड़ा हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। ये काफ़ी मतलब फिसलन है दोस्त, आराम से चढ़ना पड़ेगा, अगर बारिश पड़ेगा तो जास्ती प्रॉब्लम। एक देखिए पहाड़ कैसा टिका हुआ है मालूम नहीं।
यह देखिए पहाड़ कैसे टिका हुआ है, पूरा बड़ा है। भैया सब यहाँ पर बाहुबली का एक्शन हो रहा है, बाहुबली का एक्शन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ऐसा दिखता है, इतना ऊपर आ चुके हैं आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्त ऊपर आने के बाद पहाड़ पर आ गए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग दो चार पाँच मंजिला है, वो ये पहाड़ के बराबर है। ये ताड़ का पेड़ देख रहे हैं, वो भी बराबर ही है। इधर में देखिए कितना एकदम खाल दिखाई दे रहा है, गिरने के बाद कोई संभावना ही नहीं है बचने के लिए, आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ घूमने के बाद हमको कुछ ये मिला, द्रौपदी स्नान घर। जो दोस्तों हम लोग जो पाँचों पांडव था, तो दोस्तों एक में से जो द्रौपदी था तो यहाँ पर दोस्तों स्नान किया था। तो ये आप लोग सीढ़ी देख रहे हैं, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये सीढ़ी पर चढ़ना है, सीढ़ी पर चढ़ने के बाद ये दोस्तों इसी में स्नान किया था जो द्रौपदी था, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी से आने के बाद यहाँ पर द्रौपदी स्नान किया था। यहाँ पर दोस्तों बहुत घूमने वाला है, लेकिन कितना आप दिखाएं आप लोग को। इसके ऊपर जाएंगे चढ़ने के लिए, ये आप लोग देख रहे हैं, इसी के ऊपर जाएंगे चढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं, वो एक मंदिर है उसके पास भी जाएंगे दोस्तों। वो मंदिर जो आप लोग को यहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के पास भी जाएंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों, लिखा है राजपुरम, यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोग को फोटो डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर उन लोग उनका जो था गेट दरवाज़ा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला आप देख रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं अंदर में क्या हो रहा है। तो अंदर में कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा रूम टाइप का है, बाकी सब बाहर से ऐसा ही दिखता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो में बताए थे कि हम लोग जाने वाले हैं इस पर चढ़ने के लिए, तो आ चुके हैं इसके करीब में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, आप देख लीजिए, राजगोपुरम। और ये जो दिखाई दे रहा है बैक साइड, तो जो मंदिर है उधर में बोले थे कि मंदिर है, तो वो उसको जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, और इस पर चढ़ने के लिए यहाँ पर रास्ता है। तो चलिए पहले इसी पर चढ़ते हैं, तो इससे ऊपर जाएंगे, कुछ रास्ता ऐसा है ढलाऊ टाइप का। इसके ऊपर जाना है, अभी तो चढ़ते चढ़ते काफी ऊपर से नीचे से ऊपर तक आए हैं, और इतना ऊपर अभी जाना है। तो ये इधर से आ गए हैं, इधर से आए थे, और इधर से आने के बाद कुछ सीढ़ी है,
तो चलिए हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हुए जा रहे हैं। और कुछ लिखा हुआ है इधर में, इधर में भी लोगों को मारा गया है। तो दोस्तों आए थे घूमने के लिए, लेकिन यह गेट बंद हो गया। टाइम यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए टाइम दिया है 5:30 में बंद हो जाएगा। और यहाँ पर भी टाइम दिया गया है यहाँ से इतना तक, उसके बाद यहाँ से इतना तक टाइम है, बंद हो गया। अभी यहाँ पर आप फिलहाल देख रहे हैं कि ताला लॉक हो गया, अभी जो हम लोग पहुँचे या इसके बाद ही ताला लॉक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर हौसला रहेगा तो कभी आएंगे घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे मंदिर के पास में, जो यहाँ से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा वो मंदिर। इतना कुछ आ गए हैं और ऐसे कुछ सीढ़ी है, कुछ सीढ़ी के बाद आने के बाद ऐसे है, आने के बाद वो मंदिर के बात कर रहे थे दोस्तों। लगता है शायद ओपन है, सब लोग मंदिर के पास में जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। और कुछ नज़ारा ऐसा है, और शाम होने का है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से तो समुंदर दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ दोस्तों सीढ़ी जो है चढ़ाई है, थोड़ा खाड़ा कर है, मतलब ढलाव नहीं है, खाड़ा हुआ सीढ़ी है। चलिए इसको घूमते हैं, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ईद तो आ गए हैं मंदिर पर, आप लोग देख रहे हैं। मंदिर में कुछ खास नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बोला कि यहाँ पर जो भी मंदिर होता है काफी मतलब बारीकी से बनाया जाता है, यही सब है। और जो यहाँ पर एक मंदिर था, मतलब मंदिर का जो गेट है बंद हो गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है इसका गेट बंद हो गया है बाहर से। तो अब हम लोग का जो ख्वाहिश था वो पूरा हो चुका है, और कितना घूमेंगे अब चलते हैं।